क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नाश्ते में ब्रेकफास्ट में क्या खाया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। तो इंडियंस सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट में इडलीज खाना पसंद करते हैं और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि इसे बनाना बहुत आसान है और ये स्टीम कुक होता है, बहुत ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है, और दूसरा कि ये बहुत न्यूट्रिशियस रहता है। तो चलिए आज इसी बात पर हम बनाते हैं पंच दाल इडली। पांच अलग अलग तरीके के दाल से मिला करके बनाई हुई ये इडली बहुत हेल्दी है और आपके ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो इस पंच दाल इडली को बनाने के लिए हम अलग अलग पांच तरीके के दाल लेंगे, जिसमें पहला है 1/4 कप तुअर दाल, जिसे हम अरहर की दाल कहते हैं, 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप मसूर दाल, 1/4 कप हरी मूँग दाल और 1/2 कप हमने यहाँ पर उड़द दाल लिया है। साथ में 1/2 कप हमने पोहा लिया है, 1/4 टीस्पून हमने मेथी दाना लिया है और इन सारी चीज़ों को हम पानी डाल करके कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से धुल लें, जिससे दाल के ऊपर की पॉलिश हट जाए या कोई भी केमिकल है वो सब धुल जाए। अब इसमें हम पानी डाल करके कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसे सोक होने देंगे ढक करके। जैसे मैंने यहाँ दालों को दोपहर में धुल करके और सोक किया था, फिर मैंने इसे रात में ग्राइंड किया था कम से कम 5 से 5.5 घंटे के बाद। अब इन दालों को हम ग्राइंडर में डाल करके और थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के समय पे बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, कम पानी में ही आप ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। ग्राइंड करने के बाद से इस बैटर को एक बड़े बोल में निकालें जिसमें काफ़ी स्पेस हो। एक बार बैटर को खूब अच्छे से मिक्स कर लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, नमक बैटर को फर्मेंट होने में हेल्प करता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद से, चाहे आप स्पून से करें, आप चाहें तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स करने के बाद से अब हम इसे ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। और ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा बैटर कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया। बैटर जब फर्मेंट हो जाता है तो एकदम हल्का हो जाता है, एयरी हो जाता है, आपको इसमें थोड़े से बबल्स भी दिखने लगते हैं। अब हम इसकी इडली बनाएंगे। इडली बनाने के लिए हमने अपने इडली मोल्ड को ग्रीस कर लिया है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इडली को अच्छा दिखाने के लिए इडली मोल्ड पे ही थोड़ा सा पहले तड़का वाला राई डाला है, फिर हमने ऊपर से बैटर डाला है। इससे इडली देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे आप चाहें तो राई और करी पत्ते का तड़का दे करके इसे बैटर में अगर मिला लेंगे तो बैटर का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। बैटर से इडली बनाने से पहले स्वादानुसार एक बार नमक टेस्ट कर लें, अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा और ऐड कर लें। इडली मोल्ड को स्टीमर में डाल करके लगभग 12 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम कुक करें। एंड देयर इट इज, हमारी पंच दाल इडली तैयार है, एकदम हेल्दी, सॉफ्ट, स्पॉन्जी। इसे नारियल की चटनी या पीनट चटनी के साथ ज़रूर इंजॉय करें, बनाएं और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।